नमस्कार, स्वागत है आपका CN24 में। पूर्वांचल का कोई भी हिस्सा हो, नहीं बचेगा हमारी नजरों से। खबरें हर कीमत पर, खबरें गली कूचे से लेकर राजपथ तक, चाहे राजनेता हो, खिलाड़ी हो या फिर आम आदमी। मुद्दा साफ सफाई का, बेरोजगारी का या फिर विकास का, हमारी नजरें पर्दे के पीछे भी, नहीं बचेंगी कोई भी खबरें। खबरें अब तक, खबरें आप तक। नमस्कार, मैं दिलजीत कौर, आप देख रहे हैं CN24। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते एक नजर सुर्खियों पर। पुलिस के वहशियाने रवैये पर अड़े सपाई, देवरिया में चौपाल लगाकर सपा कार्यकर्ताओं ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। अवैध रूप से चल रहे महानगर में स्कूलों के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। महाराजगंज जनपद में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर गई एक युवक की जान। और भाजपा संख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नगर विकास मंत्री का फूका पुतला। और अब खबरें विस्तार से। समाजवादी सरकार में जिला पुलिस के लापरवाह होने के तो आरोप अक्सर लगते रहते हैं, लेकिन आज एक नाबालिग किशोर को जबरदस्त पिटाई के मामले को लेकर जिला पुलिस और सपाई आमने सामने होते दिखे। कोतवाली थाने में तैनात एक दरोगा ने कल रात गश्त के दौरान एक हाई स्कूल के छात्र मोहम्मद उमा उर्फ लक्की को उठा लाई और रात भर पिटाई की। जब आज सुबह किशोर के परिजनों को इस बात की जानकारी हुई तो कोतवाली पुलिस ने उसका धारा 151 में चालान भी कर दिया। बात बढ़ती गई और पूरा कोतवाली परिसर सपाइयों से भर गया। काफी देर तक दोनों ओर से गतिरोध बना रहा। पुलिस के जवान बढ़ते गए और परिजन आक्रोशित थे। दरअसल पुलिस की पिटाई से किशोर की हालत खराब थी। जानकारी मिलते ही सीओ कोतवाली अशोक पांडे ने हालात को सुलझाने की कोशिश की और धीरे धीरे भीड़ को वापस कर दिया। जबकि किशोर लक्की के परिजन गुड्डू ने जो हालात बयां किए वो काफी डरावने थे। मजार पे से आ रहा था रात में, उसको गाड़ी जो उसकी हेडलाइट नहीं, गाड़ी लड़ गई थी, गाड़ी की हेडलाइट वेडलाइट नहीं थी, उसको पकड़ के ले आए, कह रहे कट्टा लेके घूम रहा था ये, उसको बंद किए। उसके बाद हम लोग आए तो सर ये गाड़ी का पेपर है, तो कह रहा तीनों का नाम लिखो, तीनों को अंदर बंद करो। हम कह रहे सर बच्चा जाने दीजिए, गलती हो गया, तो कह रहा ये कट्टा लेके घूम रहा है, इसको हम जेल भेजेंगे। हाँ, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ठीक है, हमने सुबह हम उसको दिखाएंगे, घर से लेके आएंगे, हमारे पास कट्टा मौजूद है 12 बोल्ट का। उसके बाद हम लोग खड़े थे यहाँ, क्या है पीयू सिंह, और वो जो था वो क्या था, वो लाइटर था, वो लाइटर था। उसके बाद वो हम लोग वहाँ पे खड़े थे, वो पी के आए हैं। उसके बाद उसको जैसे गधा धोबी धोता है वैसे उसको धो रहे थे, चिल्ला रहा था अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अरे अल्लाह अल्लाह। वो अपने आप मन तो यही कर रहा था सर कि अंदर घुस के हम लोग खुद पीयू सिंह को मारने लगे। उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चुनावी वायदों को पूरा करने और अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने पर सपा कार्यकर्ताओं ने 1 मई से 10 मई तक साइकिल चलाकर अपने सरकार की उपलब्धियों और किए गए विकास कार्यों को जन जन तक जाकर बताया। चौपाल के माध्यम से हजारों ग्रामीण इस संदेश को सुनने के लिए एकत्रित हुए। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का गड़े गांव, जहां सपा के कार्यकर्ता विजय रावत ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की। अपने सरकार की उपलब्धियों को गांव गांव तक पहुंचाने के लिए रात में चौपाल लगाकर हुरका नृत्य के माध्यम से अपने सरकार की उपलब्धियों को बताया। लोक नृत्य के साथ सरकार के किए गए कार्यों को लोगों ने जाना। सपा के युवा नेता विजय रावत का मानना है कि सरकार की कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसे लोग जान नहीं पाते। इस चौपाल के माध्यम से इन सब बातों की जानकारी हो रही है जिसे वह नहीं जानते थे। ग्रामीण बलराम और शिव नारायण से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह अच्छा है कि सपा कार्यकर्ता हम लोगों के बीच में है। कलाकार धोरो ने भी अपनी प्रस्तुति देने के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये साइकिल संदेश यात्रा समाजवादी पार्टी की चलाई गई है जो 1 मई से 10 मई तक चलेगी, और गांव-गांव तक पार्टी ने जो विकास कार्य किया उसको बताने का काम कर रहे हैं हम लोग।
जिसमें गांव के नेता हुरका नेता है। बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों का संचालन बंद कराए जाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा है। शासनादेश के बावजूद वैश्विक शिक्षा विभाग की उदासीनता के कारण जिले में लगभग 400 से अधिक स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। स्कूल मनमानी फीस वसूल कर विद्यालयों को दुकान की भांति व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालित कर रहे हैं। इनकी टीसी आज भी कहीं माने नहीं है। विभाग के द्वारा जिन विद्यालयों को मान्यता दी गई है मानक के अनुरूप नहीं है। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद। बदल दो, बदल दो। सोनिया गांधी, राहुल गांधी। कमेटी के जोनल प्रवक्ता तौकीर आलम ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग की उदासीनता के कारण बिना मानक के और बिना मान्यता के विद्यालय संचालित हो रहे हैं। आचार शिक्षा माफिया इस वक्त जो है चरम सीमा पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 400 स्कूल हैं कम से कम, और इन स्कूलों के अंदर जो एक तो मानक के अंदर कुछ नहीं है, और अगर कुछ है तो 1-2 लाख रुपया लेकर के जो है ये उनको जो है उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। दूसरी बात ये कि ये लोग जो हैं दिन रात जो है जनता की अभिभावकों की उस गाढ़ी कमाई पे फंड काढ़ करके बैठे हुए हैं। री एडमिशन के नाम पे एक क्लास में बच्चा अगर है दूसरे क्लास में अगर जा रहा है तो उसके री एडमिशन के नाम पे पैसे की वसूली की जा रही है। टाई बेल्ट ड्रेस के नाम पर जो है बगल से दुगुना तिगुने पर जो है ये बेच रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं। किताब लेना हो तो ये स्लिप देते हैं, या तो हमारे वहाँ लिया बाहर से लीजिए, बाहर से लीजिए तो उनका 40% 30% कमीशन इन करता है। हर मामले में ये जो है धनादोहन कर रहे हैं। महाराजगंज जनपद मुख्यालय कोतवाली में सरकारी जमीन कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद से एक व्यक्ति की जान चली गई। जब दोनों पक्ष सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर उलझ गए, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। मृतक की हत्या व हार्ट अटैक में पुलिस उलझ गई है। महाराजगंज के सदर कोतवाली अंतर्गत ग्राम सभा रुद्रपुर में दो पक्षों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में 60 वर्षीय राम सागर यादव की जान चली गई। परिजनों ने ग्राम प्रधान पर मारपीट व हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने सदर कोतवाली में हत्या की तहरीर दी है। वहीं दूसरा पक्ष हार्ट अटैक से मौत होने की बात कर रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तथा लोगों का कहना है कि सरकारी जमीनों पर दोनों पक्षों का काफी दिनों से विवाद चल रहा था, जिसके बाद आज प्रधान पक्ष द्वारा करा रहे निर्माण कार्यों को रोकने गए राम सागर यादव की थोड़ी देर बाद लाश पाई गई। महाराजगंज के एडिशनल SP हरगोविंद ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृतक की हत्या या हार्ट अटैक की बात साबित होगी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गांव रुद्रपुर में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर के प्रधान और राम सागर यादव मृतक दोनों लोगों के बीच में विवाद चल रहा था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि विवाद के दौरान प्रधान पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसका हार्ट अटैक हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाने को सूचना दी गई है। थाने वालों ने उसे पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा भर कर उसको भेजा है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घटना का सही कारण मालूम होने पर अग्रेसर कार्रवाई की जाएगी। महानगर में पेयजल की समस्याओं को लेकर आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नगर विकास मंत्री आजम खान का शव यात्रा निकालकर प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि गोरखपुर शहर में पेयजल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन प्रशासन ने उनके स्वागत के लिए सड़कों और डिवाइडर को साफ करने में सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद कर दिया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पानी की बर्बादी और आजम खान का विरोध करने के लिए उनका एक प्रतीकात्मक शव यात्रा बैंक रोड से अग्रसिंह चौराहे तक निकाला। वहां पर कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और शव को दहन किया। अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व कार्य समिति सदस्य इरफान अहमद ने कहा कि जहां एक तरफ शहर में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर आजम खान के स्वागत के लिए सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद कर दिया गया।
अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर शहर में पानी के लिए मचे हाहाकार के विरोध में आज नगर विकास मंत्री आजम खान का पुतला दहन किया गया है। जैसा कि पूरे महानगर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, सवेरे स्कूल जाने के बच्चे के लिए पानी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और घरों में रहने वालों के साथ साथ आम लोगों को भी पानी की बड़ी समस्या उठानी पड़ रही है। जो कि गोरखपुर की मेयर ही भारतीय जनता पार्टी की मेयर है, उसके बाद भी भेदभाव रवैया अपनाया जा रहा है। और यहाँ पे आज गोरखपुर शहर में माननीय नगर विकास मंत्री आजम खान जी का आगमन है और उनके आगमन पे सड़कों को पानी से धोया जा रहा है और जनता को पीने के लिए पानी है ही नहीं। हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। आज विश्व अस्थमा दिवस है। पूरी दुनिया के डॉक्टर्स और जागरूक नागरिक इसे भिन्न भिन्न तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि लोग बाग अस्थमा रोग के लक्षणों और उनके उपचार विधि से परिचित हो सकें। अस्थमा दिवस के अवसर पर डॉक्टर नदीम अरशद ने अपने क्लिनिक में मरीजों और उनके परिजनों के बीच अस्थमा रोग से जागरूकता के लिए एक अलग प्रकार की मुहिम चलाई है, जिसमें मरीजों और उनके परिजनों को कुछ सवालों के जवाब देने होते हैं जिससे वे ये जान सके कि उनमें कितनी जागरूकता है। इसी दौरान उन्होंने 60 प्रश्नों के उत्तर देने थे, जिससे 70% अंक पाकर नेपाल से आए विशाल कुमार वरुण ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। एक सादे समारोह में डॉक्टर नदीम अरशद ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले परिजन व उनके मरीजों को उपहार देकर उनका हौसला अफजाई किया। डॉक्टर अरशद ने हमारे संवाददाता से बातचीत में कहा कि इस आयोजन का मकसद है कि लोगों से अधिक जागरूकता पैदा किया जाए। आज एक्चुअली वर्ल्ड अस्थमा डे है, जो कि हर साल पहले मई के पहले ट्यूसडे या मंगलवार को मनाया जाता है। इस उद्देश्य से मैंने एक क्विज प्रतियोगिता रखी अपने क्लिनिक में मरीजों के लिए कि मरीज अस्थमा के बारे में कितनी जागरूकता है, क्या इसके लक्षण है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, कैसा इसे रोकथाम है, इसी को जानने के लिए मैंने मरीज को एक क्वेश्चनार दिया, जिसमें करीब 60 क्वेश्चन हमने दिए थे जो कि दवा से रिलेटेड थे कि दवा क्या है, इसके क्या कारण है, क्या इसके लक्षण है, क्या इसके रोकथाम है। उसी के सिस्टम मैंने एक क्विज प्रतियोगिता रखती थी और काफ़ी बढ़ चढ़ के काफ़ी मरीजों ने इससे हिस्सा लिया और जो सबसे अच्छा है उसमें फर्स्ट प्राइज मिला, जो एक लड़के को जिसने करीब करीब 60 में से 40 क्वेश्चन सही किया। बाकी दूसरे और तीसरे जो सेकंड और थर्ड प्राइज जो मिला उसमें भी करीब करीब 3834 नंबर मरीजों ने पाया, जिससे यह लगता है कि मरीज अब जो है हर बीमारी के साथ साथ बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा हो रही है और मरीज इसको समझ रहा है। ये अच्छी बात है कि जब तक मरीज अपनी बीमारी के बारे में जानता नहीं होगा, उसके जागरूक नहीं रहेगा, तो उसका वो सही ढंग से ना डॉक्टर के पास दिखाने जाएगा, ना उसका इलाज कर पाएगा, ना उसकी रोकथाम कर पाएगा। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका CN24 में। पूर्वांचल का कोई भी हिस्सा हो, नहीं बचेगा हमारी नजरों से। खबरें हर कीमत पर, खबरें गली कूचे से लेकर राजपथ तक, चाहे राजनेता हो, खिलाड़ी हो या फिर आम आदमी। मुद्दा साफ सफाई का, बेरोजगारी का या फिर विकास का, हमारी नजरें पर्दे के पीछे भी। नहीं बचेंगी कोई भी खबरें। खबरें अब तक, खबरें आप तक।